एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार नौ योजना, इसका ड्राफ्ट, इसका नोटिफिकेशन भी भारत सरकार ने जारी करने का काम किया है। अगर घर में महिला है तो इन योजनाओं का लाभ जरूर लें। साथियों, मौज कर दी 1,70,000 रुपये सीधे बैंक खाते में डालने का काम जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार करेगी। ऐसे आप ऑनलाइन आवेदन कर लेना, घर बैठे 2 मिनट के अंदर आप फोन से फॉर्म भर पाएंगे। साथियों, विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं पे विशेष फोकस, महिलाओं पे विशेष टारगेट मोदी जी का है और महिला एक वोटर बैंक के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभरी है। इनको रिजर्वेशन दिया गया, जिस तरह एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है उसी तरह विधायक और एमपी जो है आगे जो है वो कानून बन गया है। बाकी समय 2026 में लागू होगा, 29 से वो प्रभावी होगा, ठीक है। 29 में चुनाव है, वो 24 वाले में वो लागू नहीं होगा। तो साथियों, इसमें महिला एमपी एमएलए बनेगी। तो इसी तरह जो है योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने ये योजना चला रखी है और इसका नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। विस्तार से सब आपको एक एक योजना की जानकारी दूंगा, ए टू जेड डिटेल। महिला है तो आपको जरूर लेना चाहिए। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों, योजनाओं बदलाव या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़ा है तो यह नहीं कह पाऊंगा मुझे पता नहीं चला योजना कब आया कब चला गया। भाई, या तो जुड़ा नहीं है या तो मुझे देखता नहीं है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, आपका साथियों श्रम कार्ड हो, आपका पीएम आवास योजना हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की अपील करते हैं। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम हमको यह करता है। तो साथियों, आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, नौ की नौ योजनाओं को आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आ जाता है महिलाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना को पीएम एमवीवीवाई योजना कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इस योजना का नाम गुरुजी क्या है, पीएम एमवीवाई योजना। गुरुजी, इसका फॉर्म भरने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगता। अब नौ योजनाओं का फॉर्म ऐसे भर के दिखाऊं तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट स्टेप बाय स्टेप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मैंने आपको भर के दिखा दिया है। आप वहां से उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया। सर, यहां से आप इसका फॉर्म भर देना भाई स्टेप बाय स्टेप। आधार कार्ड से 2 मिनट लगता है इसका। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना 1/1/2017 को शुरू की गई योजना थी। यह गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को प्रथम बच्चा होने पर 5,000 रुपए, प्रथम लड़का, गुरुजी प्रथम लड़का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कितना मिलेगा? मोदी जी ने कहते 5,000 देंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा है कि द्वितीय बच्चा लड़की होने पर, सेकंड लड़की होने पर क्या मिलेगा? 6,000 और हम देंगे। लेकिन सेकंड लड़का होने पर 6,000 नहीं देंगे, सेकंड लड़की होने पर 6,000 देंगे। तो कितना मिल गया? 11,000 रुपया मिल गया। तो जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जब बच्चा पैदा हो चुका है या गर्भवती है, आवेदन फॉर्म भर देना। आधार कार्ड से 1 मिनट घर बैठे आप फॉर्म भर देना, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो गुरुजी, और इसका मैं आपको दिखा दूं भाई, पूरी रामायण नहीं सुनाऊंगा, पूरा आपको दे तो रहा हूं इसका पूरा। 6,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा लड़की, दूसरी जीवित बच्ची लड़की के जन्म होने पर 1,6,000, तो कितना हो गया? तो साथियों, ये पूरा इन्होंने जो है डाटा बेस का जारी कर रखा है। अगला योजना है मातृत्व सहायता योजना। मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दूसरे जीवित बच्चे लड़का के जन्म पर 1,5,000 का लाभ दिया जा रहा है। तो साथियों, वो हो गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दूसरे जीवित बच्चे पे कितना है? 6,000 रुपए। यहां जो है दूसरा मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी मोदी जी ने कह दिया 5,000 और देंगे, लेकिन अलग योजना के तहत देंगे, मातृत्व सहायता योजना, ठीक है। वो कौन सी थी? वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना थी, ठीक है। अगली योजनाओं की बात करते हैं, पूरा आपको दिखाएंगे ये सारी योजनाएं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ठीक है। कौन सा योजना है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत साथियों, गरीब परिवारों में अनुसूचित जाति वाला जो अमीर है चाहे कैसा भी है, उनको तो सबको मिलेगा, बाकी गरीब परिवारों को है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का है, गरीब परिवार, ठीक है। साथियों, उनको परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर तथा सभी परिवारों में दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपया। लो भाई, लो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 21,000 रुपए। तो ये महिलाओं की 18 वर्ष की आयु होने पर विवाहित हो लड़की होना चाहिए, यानी भाई 18 साल से कम का है जो बच्चा की माँ है तो उसको नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल वो करते हैं। साथियों,
अगला जो योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना 30-20 साल से 40 साल की आयु की जो महिला है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। सभी राज्यों में फ्री सिलाई मशीन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? फ्री सिलाई मशीन। कितने पैसे दिए जाते हैं? किसी राज्य में 5,000, किसी में 4,500 है, ठीक है, किसी में 3,500 है, बाकी मैक्सिमम राज्यों में 4,500 और 5,000 रुपए। तो फ्री सिलाई मशीन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना। और भाई ये एक और योजना है, उस योजना के तहत आप ये आपको दिखाते हैं भाई, ये और दिखाते हैं। उसमें मैंने एक चीज और छोड़ दी भाई, आपकी बेटी मारी बेटी योजना में मैं एक चीज और छोड़ गया हूं। ये देखो भाई, यहां इन्होंने कहा है कि आपकी बेटी, मैं सॉरी, इसमें 21,000 रुपये नहीं दिया जाता, माफी चाहता हूँ भाई, हाथ जोड़कर थोड़ा गलती हो गया, उसमें मिस्टेक हो गया। इसमें इन्होंने कहा है कि गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर लाभ तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मातृत्व सहायता योजना से मिलता है, ठीक है। इस योजना का अलग खासियत है, इस योजना का खासियत है, मोदी जी कह रहा है कि सभी परिवारों में पहली बेटी हो या दूसरी हो या तीसरी बेटी हो, ठीक है, 21,000 रुपये हम देते हैं, लेकिन एक ही बेटी के उस पर देंगे, यानी तीन बेटियों के तीनों पर अलग अलग। भाई 21,000 रुपये हम उस बेटी के जन्म पर जो है 21,000 रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मुश्त जमा करवा देंगे। किस योजना के तहत? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 21,000 हम जमा करवा देंगे। और 18 वर्ष की जब आयु उसकी हो जाएगी या और विवाहित होने पर जब उसकी शादी होगी 18 साल के बाद, तो हम उसको 1,00,000 रुपए जो है राशि सीधा उसके खाते में, वो पैसा उसके खाते में ही रहेगा 18 साल के बाद, जो है उसको 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। वो 21,000 का कितना मिलेगा 18 साल बाद शादी पर? कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,00,000 मिलेगा। तो आपकी बेटी मारी बेटी योजना के तहत अगर आपकी कोई बेटी है तो बेटी हुआ है या होने वाला है, तो साथियों इस योजना के तहत उसका जरूर वो करवाएं, खाता खुलवा देना, इस योजना के तहत फॉर्म भर देना, ठीक है। सरकार सीधे उसके खाते में वो निकाल नहीं पाएगी, 18 साल के बाद निकाल पाएगी। और कितना निकलेगा? 21 नहीं निकलेगा, सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में उसकी पॉलिसी करवा देगा 21,000 रुपए का, और ऑटोमेटिक सरकार करेगा, आपको तो फॉर्म भरना है, फिर 1,00,000 रुपए जब उसकी 18 साल की उम्र हो जाएगी उसके खाते में डल जाएगा, ठीक है। अन्य योजनाओं भी बहन बेटियों के लिए चल रही है, कन्यादान योजना चल रहा है, विवाह शगुन योजना चल रहा है, अलग अलग राज्यों की योजना चल रही है। कोई 72,000 देता है, कोई 52 देता है, कोई 1,01,000 रुपए देता है, वो अलग विवाह शगुन योजनाएं चल रही है, ये योजना अलग योजना है, ठीक है। तो साथियों आगे हम देते हैं, फ्री सिलाई मशीन हमने आपको बता दिया, साथियों सुरक्षित मातृत्व आवासन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेहतरीन योजनाओं में से योजना, 10 साल से कम बच्चियों की खाते की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है ये जो योजना है साथियों, यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपने 10 साल की उम्र के बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें 10 साल से कम की बच्ची का अकाउंट खुलता है। और साथियों स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारे पैसा उसको मिलेगा जिसके नाम आपने इस अकाउंट को खुलवाया। तो भाई इसमें अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, 100 रुपये से भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो 1,00,000 रुपये आपको जो है उस समय मिलेंगे। इसमें ब्याज बहुत भारत सरकार देता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे भरें आपको पूरा जो है डाटा वहां मैंने प्रोवाइड करा दिया, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है भाई। बाकी महिला शक्ति केंद्र योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 300 रुपया सब्सिडी मिलता है, इसका भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको। आप इस तरह अपना जो है इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला का से ये फॉर्म भरा जाता है, इसमें आपको फ्री गैस सिलेंडर भरा हुआ दिया जाता है और साथियों गैस चूल्हा मिलता है, साथ ही साथ 300 रुपया सब्सिडी का खाते में डलता है। जब भी सिलेंडर भरवाओगे 300 रुपये मोदी सरकार आपको देगी, ले लो बहना, ले लो बेटी, ले लो, आपको देना 300 रुपया। तो भाई 300 रुपया, इसका भी मैंने फॉर्म भर के दिखा दिया पीएम, इसका भी मैंने सुकन्या का भी फॉर्म भर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वरना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमारे साथ वाजिब जाना साथियों। और आपको जो है मैंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भी दे दिया, तो 1,00,000 रुपये के लाभ है, टोटल 1,70,000 रुपये का लाभ जो है सीधा आपके खाते में डालने का काम मोदी सरकार भारत सरकार करता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आएगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।